नमस्कार छात्रों, आठवीं कक्षा की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछले क्लास में कौन सा पाठ पढ़ा है माँ? प्यारा गांव। प्यारा गांव हमने पाठ आपको एक्सप्लेन किया है, समझा है। अभी है ना जो व्याकरणांश जो प्रश्नोत्तर हुए ना, वो अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी आपको देखिए, सुनो बोलो पाठ। पाठ में सुनो बोलो, सुनो बोलो में पाठ में दिए गए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? पाठ में दिए गए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? आप लोग देखिए, पाठ में दिए गए चित्रों में दादाजी और क्या, रानी और क्या, कौन है, रमेश, दोनों दिखाई दे रहे हैं। और क्या है, पहले चित्र में देखिए कौन क्या कर रहे हैं? हाँ, जैसे लोहार। लोहार किसे कहते हैं? जो लोहे से काम करने वाले को लोहार कहते हैं। लोहार क्या क्या बना रहे हैं देखो, जैसे कुछ कुर्पी, फावड़ा, हथौड़ा, पहिया आदि बना रहे हैं। और दूसरे चित्र में देखिए कौन, कुम्हार। जो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? कुम्हार। मिट्टी से बर्तन बनाने वालों को कुम्हार कहते हैं। आप लोग है ना, जो भी मैं कह रहा हूँ आप लोग इसको अपने पुस्तक में लिखें, लिखना है, ठीक है ना? आप लोग अपने पुस्तक में लिखना है। और देखिए, एक आदमी है ना, कपड़े बुनने वाले को क्या कहते हैं? कपड़े बुनने वालों को जुलाहा कहते हैं, ठीक है। जुलाहा भी यहाँ पे कपड़े बुन रहा है। और देखिए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। और जो बड़ाई का काम करने वालों को क्या कहते हैं? बड़ाई कहते हैं। जो कपड़े लकड़ी का काम करने वालों को बड़ाई कहते हैं। देखो बड़ाई भी तरह तरह के खिड़कियां, दरवाजे आदि बनाते हैं। और क्या है, यहाँ पर एक आदमी दिखाई दे रहा है ना, जो सोने चांदी का काम करने वालों को क्या कहते हैं? सुनार। जो सोने चांदी के सुनार, जो सोने चांदी से काम करते हैं और वे सोने चांदी से तरह तरह के आभूषण बनाते हैं, देखें। और क्या है, एक बंसोर। बंसर किसे कहते हैं? हाँ, जो टोकरियां, जो बांस से जो चीजें बनाता है उसे बंसर कहते हैं। यहाँ पर है ना चित्र में एक आदमी एक टोकरी बना रहा है, कौन, बंसर। और आखिरी में एक चित्र में है ना, एक किसान अपने खेत में हल चला रहा है, ठीक है। हाँ, अभी देखिए अपने गांव में क्या क्या देखने को मिलता है। इस प्रश्न का उत्तर तो मैंने आपको लिखा है, उस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग अपनी हिंदी पुस्तक में लिखना है, नोटबुक में, ठीक है ना। हाँ, अभी देखिए पढ़ो, जैसे नीचे दिया गया है ना, पढ़ो। हमने यहाँ पर शाम पढ़ पर लिखा है, आप लोग अपनी पुस्तक को ले लें और पेंसिल हाथ में रखें या अपनी बुक ले लें। देखो नीचे दिए गए वाक्यों के अर्थ बतलाने वाले शब्द पाठ्य पुस्तक में ढूंढो और लिखो। यहाँ पर क्या है, गर्मी के दिनों में इसमें पानी ठंडा रहता है। गर्मी के दिनों में किसमें पानी ठंडा रहता है? फ्रिज नहीं, जो मिट्टी के बने मटका, मटका है ना, और पाठ के आधार पर मां, ठीक है। हाँ, और छोटे बच्चे इससे खेलते हैं। छोटे बच्चे किससे खेलते हैं? खिलौने। क्या लिखना है? खिलौने या खिलौना। इन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। किसे कहते हैं? राष्ट्रपिता किसे कहते हैं मां? गांधी जी है ना, गांधी जी को, ठीक है। और दूसरा बिट देखिए, अधूरे वाक्य। हम पर यहां पर शाम्पटर भी लिखा है, अधूरे वाक्य, अधूरा, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट सेंटेंस, ठीक है। क्या है देखेंगे, अधूरा वाक्य दिए गए हैं उन्हें पूरा करो, उन्हें आप क्या करना है, फिलअप करना है। देखिए सामने कमलेश काका आ रहे हैं, सामने कमलेश काका आ रहे हैं, इन्हें डैश हाँ प्रणाम करो। किसने कहा है? दादाजी ने। किससे कहा है? रानी और रमेश से कहा है। और वे दोनों भी है ना, उनको प्रणाम किए। अब पर क्या लिखना है? प्रणाम करो। और क्या, देखो
दामोदर दादा गांव वालों के लिए पाठ के आधार पर है ना, दामोदर काका गांव वालों के लिए क्या क्या बनाते हैं माँ? दामोदर काका गांव वालों के लिए मिट्टी के बर्तन जैसे मटके हंडी मिट्टी के खिलौने आदि चीजों को बनाते हैं। आप लोग पाठ पढ़िए और उसके आधार पर लिखिए, ठीक है? हाँ, और देखिए जैसे लिखो है, लिखो बीच हम यहाँ पर शाम पत्र में लिखा है ना, लिखो इसमें क्या है, देखो नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखो, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर क्या करना है, लिखना है। क्या है देखो, तुम्हें कौन सा व्यवसाय पसंद है और क्यों? व्यवसाय का अर्थ है वृत्ति, तुम्हें कौन सा व्यवसाय आपको पसंद है, प्रोफेशनल क्यों आपको पसंद है? देखो है ना, मुझे खेती बाड़ी का व्यवसाय बहुत पसंद है, मुझे खेती बाड़ी का व्यवसाय बहुत पसंद है, आप लोग लिखना है। और क्या है, इससे अन्न उगते हैं, किससे? फसलों से। क्या उगते हैं? अन्न उगते हैं। और लोगों की भूख हम मिटा सकते हैं, किससे? फसलों से। और किसान है ना, खेत में तरह तरह के फसल उगाते हैं और किसान सवेरे से शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं, वे भारत के अन्नदाता है, इसलिए मुझे यह व्यवसाय पसंद है। ठीक है, आप लोग लिखिए, अपने गांव के बारे में लिखो, आप लोग अपने गांव के बारे में, आप लोग अपने सौभाग्य में भी लिख सकते हैं, आपके गांव में क्या क्या दिखाई दे रहा है, और इसको हमने प्रश्न लिखा है, इस प्रश्न का उत्तर भी हमने आपको लिखा है ना। हाँ, अपने गांव में एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र भी है, एक प्राथमिक पाठशाला भी है ना, एक मंदिर है, और ऐसे जैसे जैसे और जैसे पेड़ सुंदर खेत आदि आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे पशु पक्षी बाग बगीचे जो भी है, आप सब इसको और भी कुछ कल्पना करते हुए आप लोगों के गांव में जो भी दिखाई दे रहा है उसको आप लोग अपने लिखिए। हाँ, किसी घरेलू उद्योग, किसी एक घरेलू उद्योग, हाँ देखिए मां, किसी घरेलू उद्योग के बारे में आप लोग लिखना है। आप लोग अपने पुस्तक को लें और पेंसिल या पेन को भी लें, मैं जो बता रहा हूं आप लोग उसमें लिख लीजिए। ठीक है, हाँ लिखिए। घर के पास हमारे लिए उपयोगी वस्तुओं को बनाने वालों को जो छोटे उद्योग स्थापित करते हैं उन्हें घरेलू उद्योग कहते हैं, उन्हें घरेलू उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो, लिख लीजिए, हाथ खरगा का अर्थ है जो हाथ से बनाए जाने वाले। ठीक है, हाँ देखो लिखिए लिखिए, हाथ खरगा एडिंग लिखते हुए आप लोग लिखिए। गांव में जो लोग कपड़ा बुनने का काम करते हैं, गांव में जो लोग कपड़ा बुनने का काम करते हैं उन्हें जुलाहा कहते हैं। कपड़े बुनने वालों को क्या कहते हैं? जुलाहा ही कहते हैं ना। हाँ देखिए, और जुलाहा दूसरा वाक्य, जुलाहा के परिवार में स्त्री पुरुष, जुलाहा के परिवार में स्त्री पुरुष सब मिलकर, स्त्री पुरुष सब मिलकर सूत कातने और कपड़ा बुनने और क्या, कपड़े पर रंगाई का काम करते हैं, कपड़े पर रंगाई का काम करते हैं। और क्या, देखिए भारत में हथकरघे का पेशा प्राचीन और प्रसिद्ध है। भारत में हथकरघे अंटे चेतितो नेसिनटुवंटि कपड़ा बहुत पेशा प्राचीन और प्रसिद्ध है। पुराने जमाने में हाथ का बना कपड़ा दिया सलाई करते हैं, जो मैच बॉक्स अग्निपट्टे दिया सलाई की डिब्बियों में रखकर विदेश भेजा जाता था। दिया सलाई की
डिब्बियों में रखकर विदेश भेजा जाता था। भारत में हाथ खरगे से बुना कपड़ा आज भी भारत में हाथ से बना कपड़ा आज भी क्या है, विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह एक घरेलू उद्योग है। आंध्र प्रदेश में नारायणपेट, जैसे तेलंगाना में ना क्या है, नारायणपेट, गद्वाल, पोचमपल्ली, और आंध्र प्रदेश में है ना भीमावरम, धर्मावरम, है ना, ऐसे स्थानों पर हाथ से बनी साड़ियां बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, अभी आप इसका हो गया ना, अभी आप लोग क्या करना है, नेक्स्ट देखिए आप लोग, शब्द भंडार भी हमने यहाँ पर लिखा है। क्या है देखिए, जैसे लोहार कौन है, ब्लैकस्मिथ, कमरी, और क्या है देखो, कुम्हार, पाटर, जो बर्तन, मिट्टी से बर्तन चीजें बनाते हैं ना उसको, और जुलाहा है ना, जुलाहा क्या है, फीवर, बट्टल लेसे वालों, सुनार, गोल्ड स्मिथ, बंसोर, बास्केट मेकर, जो बुटियों को बनाने वाला है ना, और क्या है, सृजनात्मक अभिव्यक्ति। कल्पना करो कि यदि दादाजी शहर आते तो वे वहां के बारे में क्या कहते, दादाजी अगर शहर आते तो वे शहर के बारे में क्या कहते, आप लोग कल्पना कीजिए, दादाजी आपको, आपके पास जैसे गांव आते तो दादाजी आपको इन सभी चीजों विषयों के बारे में बताए ना, उसी प्रकार दादाजी यदि ओकवेला इफ शहर आते तो पटना को से क्या क्या बताते और क्या क्या कहते, आप लोग कल्पना कीजिए और लिखिए, ठीक है मां। और क्या है देखिए यहां पर, प्रशंसा, गांव के व्यवसाय से जुड़ी कोई एक कहानी लिखकर कक्षा में सुनाओ। जो गांव में तरह तरह के व्यवसाय के लोग रहते हैं ना, उनसे संबंधित किसी एक विषय के बारे में एक छोटी सी कहानी क्या करना है, आप लोग लिखकर कक्षा में उसको सुनाना है, ठीक है। अभी जो भी आपको यहां पर दिया गया है उस सबको आप लोग कीजिए, और यहां पर देखिए क्या है, जो भाषा की बात है, जो व्याकरणांश, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, संज्ञा में कितने प्रकार है, कुल 5 प्रकार है। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जो आदि के नाम को बोध करने वाले जो शब्द है ना, उन्हें संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा में कितने प्रकार है, 5 प्रकार है। देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया, आप लोग उसको देखिए, ध्यान से देखिए। रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए। सब मिलकर सवेरे रेल से निकले। गाड़ी में बड़ी भीड़ थी, भीड़, समूह, ये भी संज्ञा है। और स्टेशन के पास चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे, बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे चलने लगी, और क्या है, खेतों में किसान काम कर रहे थे, पशु चर रहे थे, ये भी संज्ञा है। और गांव की हरियाली पच्चदनम है ना, देखने लायक थी, और बातों बातों में घर आ गया। दादाजी दादी जी से मिले, दादी जी ने बहुत लाड़ प्यार किया, सवेरे दोनों दूध पीकर दादाजी के साथ है ना गांव घूमने निकले। ऊपर दिए अनुच्छेद में देखिए, रानी, गांव, भीड़, पशु, हरियाली और दूध शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार है, 5 प्रकार है। एक क्या है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है। जैसे जातिवाचक में देखो क्या है, जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या है, यहां पे लड़का किसी जाति,
जैसे मानव जाति, जैसे है ना लड़की स्त्रियों की जाति, जैसे पशुओं की जाति, है ना किसी एक जाति के बारे में ये कराता है। और व्यक्तिवाचक में क्या है देखो, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक में क्या है, इसमें विशेष व्यक्ति वस्तु और स्थान, जैसे यहां पर उदाहरण के लिए क्या है रामो, जो भी नाम को बताते हैं वे व्यक्तिवाचक में आते हैं, ठीक है मां। और भाववाचक, जिन शब्दों से किसी गुण स्वभाव दशा का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखो सुख दुख, उदाहरण के लिए क्या है सुख दुख, अच्छा बुरा, है ना ये सब क्या है भाववाचक में आते हैं। और समुदायवाचक में क्या है देखो हम, ऐसे शब्द जो किसी विशेष समुदाय या समूह का बोध कराते हैं वे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सेना देश की रक्षा करती है, पाठशाला में छात्र, है ना हाँ छात्र, यहां पर लड़की लड़का का बोध नहीं होता बल्कि सारे लोगों के लिए, ठीक है। ऐसे क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा में देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा में जो लिक्विड्स कहते हैं ना हाँ, जो द्रव्य या विभिन्न धातुओं का बोध कराते हैं जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा में कहलाते हैं। स्वच्छ जल पीना चाहिए, हम हर रोज दूध पीना चाहिए, जल दूध है ना, ये सारी चीजों को हम क्या है द्रव्यवाचक में बताते हैं, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे नीचे दिए गए, नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो, इनमें से आए संज्ञा शब्द ढूंढो लिखो, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ना है और उनमें से कुछ हम इसको जो भी आपको होमवर्क देंगे गृह कार्य देंगे आप लोग उसमें से व्यक्तिवाचक में क्या है, जातिवाचक में क्या है, संज्ञा भाववाचक में क्या है, इनमें से आप लोग ढूंढकर लिखना है, ठीक है। अब इन सबको आप लोग अपनी हिंदी नोटबुक में भी लिख लीजिए, फिर हम आपको अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक आपको धन्यवाद।